कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे, मैं भी ठीक हूँ। आप सब लोग कैसे हैं कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तो जनाब अभी अभी बारिश होना वो ख़त्म हुई है, इतनी बारिश थी बहुत। गोलगप्पे किन्ने किन्ने खाने ने, गोलगप्पे जल्दी जल्दी आइयो मिलकर गोलगप्पे खाते हैं। और बारिश जो है ना वो अभी भी ख़त्म हुई है और साथ ही सूरज निकला है। बहुत गर्मी थी, मौसम बड़ा मज़े का हो गया। पूरे घर की सफाई वगैरह कर ली हम किचन में, और किचन का काम जो थोड़ा बहुत करने वाला है वो करते हैं। ये थोड़े से बर्तन वॉश करने वाले ये करेंगे, और उसके बाद थोड़ा सा चिकन था वो मैंने ना पानी में डिप करके रख दिया है, और साथ साथ किचन साफ़ करेंगे। और साथ साथ मुझे सबसे मुश्किल काम पता क्या लगता है? खाना बनाना। कि मतलब खाना बनाना नहीं मुश्किल लगता, मुझे ये मुश्किल लगता है कि आज क्या पकाना है। सोचो विचार में ना टाइम गुजर जाता है कि आज क्या पकाना है। और सबसे मुश्किल काम जो है ना कि बच्चे फिर वो खाते नहीं है, ये बहुत मुश्किल हो जाता है। नहीं हो आप लोगों ने आज क्या पकाया मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, ताकि ना मैं नेक्स्ट डे जो है ना वो पका लूँ। मैंने सोचा कि खाना तो बनता रहेगा, तो क्यों ना पहले बच्चों के कपड़े जो है ना वो चेंज कर लूँ, बच्चे नहा धो के ना फ्रेश हो जाए। आज सिर्फ ना अनाया स्कूल गई हुई थी और बाकी बच्चे सारे घर पे पेपर चल रहे हैं ना, तो मैंने सोचा पहले इनको कपड़े दे लेती हूँ, फिर उसके बाद आराम सुकून से सारे काम करूँ। कपड़े मैंने निकाल लिए हैं, बस जल्दी जल्दी ना चुटकियों में प्रेस कपड़े प्रेस करते हैं। और उसके साथ साथ आप लोगों को ये भी बोलूँगी कि जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ जल्दी जल्दी चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और वीडियो को लाइक भी कर दें। आप लोगों को ना मेरे से ये बहुत गिला रहता है कि मैं डेली व्लॉग्स जो ना वो शेयर क्यों नहीं करती, तो अब इंशाल्लाह ताला ना मेरी तरफ से पूरी पूरी कोशिश होगी कि मैं डेली व्लॉग जो ना आप लोग के साथ शेयर करूँगी, अपनी रूटीन शेयर करूँगी। अब मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, वो आप लोगों को पता चल गया होगा कि अब इंशाल्लाह ताला से मेरा डेली व्लॉग जो ना वो आया करेगा। तो चलिए इस खुशी में जल्दी जल्दी वीडियो को लाइक कर दें, ताकि ये वाली वीडियो जो है ना बहुत ज़्यादा रैंक करे और मुझे भी लगे कि हाँ ये वाली वीडियो ना शेयर करने का कुछ ना कुछ मज़ा ज़रूर आया, कोई ना कोई फ़ायदा ज़रूर हुआ है। तो चलिए जी कपड़े प्रेस कर लेते हैं, उसके बाद मैं आप लोगों से मिलती हूँ। यहाँ पर थोड़े बहुत काम किए, और काम करने के बाद मैं अनाया को लेके बैठ के, उसका पेपर था और आज अहमद का पेपर था, एक पेपर और एक छुट्टी होती है। और माशाल्लाह सबको तैयारी करवाने में इतना टाइम लग जाता है, 4 से 5 घंटे जो होते हैं ना वो मस्ट होते हैं, और प्रॉपर इनको सारी तैयारी करवानी पड़ती है, फिर रिवीजन भी इनकी होती है, मतलब बहुत लंबे चौड़े काम इनकी, इनको प्रॉपर फिर वो रिटर्न में इनका मैंने करवाना होता है, बहुत सा टाइम लग जाता है। और आज पता मज़े की बात क्या हुई कि आज पता नहीं मैं ना मेंटली तौर पर कहाँ थी कि मुझसे प्रॉपर बच्चों को तैयारी नहीं करवाई जा रही थी, बच्चे मेरा मजाक उड़ा रहे थे कि मामा आपको कुछ पढ़ना नहीं आ रहा, मामा आज आपको क्या हो गया। बस कभी कभी ऐसा होता है ना, तो यहाँ पे ना बहुत सारा मेरा टाइम लग गया और बच्चों को मैंने पढ़ाया, फिर उठ के मैंने सोचा कि बड़े लंबे चौड़े काम है फिर वो भी करने, दिन का ना पता ही नहीं चलता, सारा दिन मेरा मतलब ऐसे ही काम करते गुजर जाता है। लेकिन अच्छी बात है, आप बिजी रहेंगे तो आपको नेगेटिव बातें जो है ना वो माइंड में नहीं आएगी, और आपके माइंड में कुछ ऐसा नहीं होगा कि आपसे कौन बात कर रहा है, कौन नहीं कर रहा, कौन आपको इग्नोर कर रहा है, कौन नहीं कर रहा, जो करता है कोई करे। आप बस मेरी बस दिली दुआ है कि मैं अपने बच्चों को ना एक अच्छा इंसान बनाऊँ, कामयाब तरीन इंसान बनाऊँ। बस मेरी कह लें कि मेरी एक दुनिया में ना यही एक ख्वाहिश है कि मैं अपने औलाद को ना नेक फरमा बरदार और कामयाब तरीन इंसान बनाऊँ। मेरी नहीं, सब माँ बाप की होती है, और अल्लाह पाक सब माँ बाप की ये दिली दुआ जो है ना कबूल फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। और यहाँ पे बच्चों के ना मैं उनको सुन रही थी, साथ साथ उनकी बातें भी सुन रही थी कि मामा आज आपको क्या हो गया, इसलिए मैंने भी थोड़ा ना आपको स्माइल जो है ना वो करके दिखाया। बच्चों को पढ़ाने के बाद मैं उठी, और उठ के ना मैंने थोड़ा सा अनारदाना जो था ना वो भी गोया हुआ था, चटनी बनानी है अनारदाना पुदीना और अदरक लहसुन में डाल लेती हूँ, लेकिन आज ना मेरा दिल नहीं कर रहा था अदरक लहसुन डालने को। एक दफ़ा मैं इस तरह से बना लेती हूँ, और एक दफ़ा मैं अदरक लहसुन के बगैर बना लेती हूँ। अनारदाना मैंने भिगोया हुआ था, और उसके बाद पुदीना था। अच्छा, ये पुदीना भी फ्रेश और अनारदाना भी फ्रेश, पता कैसे है? ये ना अनार था, तो मैंने ना उसको वो खाने वाला नहीं था, खट्टा था, उसको ना मैंने धूप में रख के ना ड्राई कर लिया, तो इतना मज़े का अनारदाना बन गया हुआ था। तो मैंने सोचा इसकी ना चटनी बना लेती हूँ, थोड़ी सी मैंने एक मैंने सबस मिर्ची जो थी ना वो डाल लिया। अच्छा इंशाल्लाह ना मेरे अब इंशाल्लाह अल्लाह पाक मुझे हिम्मत दे और साबित कदम रहने की तौफीक दे, मेरे डेली व्लॉग्स जो ना वो आया करेंगे, और ट्राई करूँगी बहुत अच्छे व्लॉग्स जो ना वो पहले की तरह आए, जिसमें आप सब लोग मुझे इतना प्यार देते थे, इंशाल्लाह इंशाल्लाह से।
तो क्योंकि जब मैं रेगुलर थी ना तब आप लोग मुझे बहुत सारा प्यार देते थे, और अब मेरी मिस्टेक है कि मैं रेगुलर नहीं हूँ, तो फिर आप लोग भी क्या करें, आपको क्या पता मेरी वीडियो कब आएगी, कब आई कब नहीं आई, तो इसके लिए मैं आप लोगों से सॉरी एक्सक्यूज करती हूँ। तो बस आप लोग मुझे सपोर्ट करते रहें, मुझे प्यार दें, इंशाल्लाह ताला नई वीडियो में आप लोगों से मुलाकात होगी और अच्छी अच्छे अच्छे व्लॉग्स जो है वो आएंगे। अच्छा, बहुत अच्छा, मेरी मतलब मैंने अपने माइंड में रखा है कि मैं बहुत अच्छा कॉन्टेंट जो है वो लेके आऊँगी। और खाने में मैंने बनाई थी गोभी और चिकन, अब मैं रोटी बनाती हूँ और खाना शाना खाते हैं, और आप लोगों के साथ इंशाल्लाह ताला नई वीडियो में, कल वाली वीडियो में ज़रूर मुलाकात होगी। मेरा व्लॉग आपने देखना मिस नहीं करना, इंशाल्लाह मैं अपना टाइम टेबल भी सेट करूँगी और मिलेंगे नई वीडियो में। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, बाय बाय जी, अल्लाह हाफिज़।